वो इसलिए बात होती है अदब की, बात होती है संस्कारों की। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी गुरुद्वारे के अंदर बैठने नहीं दिया करते थे। वो कहते थे कि राजा जोड़े घर में चले जाके वहां पे जूतों की सेवा कर, क्योंकि तो भी बहुत छोटा है, पता नहीं तेरे को अंदर क्या मस्ती करता रह गया तो बच्चों के साथ में, तो जाके जूते की सफाई करना बहुत अच्छा। उस समय तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब मैं इस मंच में खड़े होके आप सभी लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गज सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में अगर मैं हूँ, विश्वास मानता हूँ कि वो बाबा की बात आज सफल होगी। पिछले 3 साल पहले मुझे संगीत शिरोमणि का इन्होंने सम्मान दिया, आज भी कोशिश करता रहता हूँ कि उसकी शान में कभी कोई कमी ना आए। अदब की बात होती है, संस्कारों की बात होती है, मुझे तमाम तरह से इस समय कासा जेल में जाकर संगीत सिखा रहा हूँ, कैदियों को भी सिखाता हूँ, खासकर जो स्टाफ के लोग भी आने लगे हैं। तो बड़ी अच्छी बात होती है कि मैं हफ्ते में 3 दिन जाके नोएडा कासा जेल में जाता हूँ, अधिकारी साहब से मिलता हूँ। तो एक दिन चर्चा हो रही थी, वो पूछे कि आपको कैसा लगता है अंदर जेल के अंदर आप कैदियों को संगीत सिखा रहे हैं। विश्वास मानिए कि वहां पे 2-4 कैदी तो ऐसे हैं, जब वो मेरे सामने आए तो उन्होंने बोला कि साहब हमने कभी कोई जुर्म नहीं किया, हमने कभी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से या यूं कहें कि ऊपर वाले का क्या कर्म था कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं। विश्वास मानिए केवल आपका इंतजार रहता है कि गुरुदेव आप आते हैं तो कम से कम पॉजिटिविटी आ जाती है, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, प्लीज ये जॉब मत छोड़िएगा। बात होती है संस्कार की, बात होती है अदब की, तो शायद कैदियों से सीखने में जाना है। मैं बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, कभी कभी एक समय होता था जब मैं होम ट्यूशन वगैरह दिया करता था, तो उस समय बहुत अच्छी बातें होती थी कि लोग बड़ा सम्मान देते थे। तो पिछले दिनों एक बहुत ही निम्न वर्ग के एक व्यक्ति ने बोला, राजा जी आपको मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आए और मैं आपको मैं खाने में बुलाऊँ। मैंने कहा चलिए आपने मुझे बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा। विश्वास मानिए उनके घर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, हमारे घर में टीवी होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, सच बता कुछ नहीं था। लेकिन जब बात होती है अदब की और संस्कार की तो मैं समझता हूँ कि वहां पाया जाता है। जब छोटी सी बेटी ने मेरे नाम के रंगोली बना के रखी थी, मम्मी सर आटा देना भैया आने वाले हैं, तो गुलाब का फूल बना दिया, उसमें लिख दिया वेलकम भैया। बात होती है संस्कार की, अदब की, तो वहां पर मिलता है। और विश्वास मानिए मैं इतने जगह पे जाके बोलता हूँ कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ आप सभी लोगों से संबोधित कर रहा हूँ, वहां पर मैं निरुद्धता मेरी आंखों में केवल आंसू थे, हम वहां पर क्या जवाब दे सकते। और आज भी ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। संस्कार साथी के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम यहाँ पे हैं, 10 साल बाद विश्वास मानिए ताल कटोरा स्टेडियम छोटा बनाया है संगीत सम्मान के लिए। मुकेश जी अपने आप में बहुत उच्चतम व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते आए कि नहीं मुकेश जी की संगत में रहना, कुछ ना कुछ आशीर्वाद की सीधे कुछ को पढ़ जाए तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि 3 साल पहले मेरे ही पापा मम्मी ऐसे ही आप लोगों के बीच में बैठे हुए जब मुझे संगीत शिरोमणि का सम्मान मिल रहा था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग के बीच में हमेशा की तरह आता हूँ। और आपको एक नई चीज बताऊँ, इस समय मुकेश जी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने बोला कि राजा जी आप संगीत में चलिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपके संपर्क में बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार हैं। मैंने कहा बिल्कुल है, और मैंने कहा ऐसे भी हैं जो अंधेरे में हैं, मेरे जैसा व्यक्ति बात यहाँ पे बोल सकता है, शायद वो बात गा सकते हैं, ऐसे बात नहीं कर सकते, कारण भी उन्होंने कोई संस्थापना की है, व्यास किया है। तो उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि इन्होंने बोला कि राजा जी मैं आपको एक पत्रिका में कॉलम दूंगा, और उस कॉलम में आप जितने भी जो नए संगीतकार हैं जो शायद अंधेरे में हैं और जिनका काम है कि वो वाकई में सामने आए, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है ताकि मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेके या उनसे कुछ बातचीत करके उनका इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं। और इसी सेवा में मैं लगा हुआ हूं, ज्यादा मेरी उम्र नहीं है, मैं खुद कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हूँ या कहीं ना कहीं सारी चीजें चलती है, लेकिन जो मेरे साथ में जो मेरे से साथी संगीतकार है उनके लिए मजा आता है, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तबला वाला से तबला बजा के पेमेंट लेके चला जाता है, हमेशा से यही होता है ना। लेकिन आप विश्वास मानिए केवल संस्कार साथी पुस्तक में, केवल संस्कार साथी मंच में उन तबला वालों को भी मैं जगह दे पाऊंगा जो सिर्फ एक इंसान संगत करके पेमेंट लेके जाता है। नहीं, आप ज्यादा रिजर्व करते हैं, आपने तबले की साधना की है, आपने शहनाई की साधना की है, सारंगी की साधना की है, हमेशा केवल रवैया या गाने वाला भी आगे ना रहे,
संस्कारों में रहूं, कभी किसी बड़े का अनादर ना करूं जो मेरे माँ बाप मेरे गुरुओं ने सिखाया, और आज भी मैं इसी मन से यही सब चीजें सीख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया।